सिट हैंड शेक करो बेंजो, हैंड शेक करो गुड बॉय। ओ ये तो मार रही है यार मुझे, थोड़ा सा डालो इधर, ज़्यादा उस साइड पे डालो, उस वाली में। काम चेक करो यार, बकरियां सारी भगा दी और ख़ुद यहाँ पर खेलने आ गया। हटाओ यार इसे, भगाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज के व्लॉग में हम लेकर आए हैं मुर्गियाँ, और एक दो नहीं, ये देखें, हम बहुत सारी मुर्गियाँ लेकर आए थे जिसमें से हमने काफ़ी ज़्यादा सेल भी कर दी हैं अभी तक। और अभी ना हम इनके लिए दाना लेके आ रहे हैं, दाना बनाते हैं, वो थोड़ा सा इनको डालते हैं। बाकी जो है हमने सुबह का डाल दिया था, वीडियो अब शुरू किया, और जो दोपहर का है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यार ये देखें, इनके लिए हम लेके आए हैं दाना, और ये देखें सारे के सारे जो हैं कैसे हमारे पास आ, कितने मज़े से खा रहे हैं बेचारे, जगह ही नहीं दे रहे किसी को, देखें। ओए होए यार, इसको दो पार्टीशन में ना कर देंगे, एक में सही है। हाँ ये सही रहेगा, ये तो कुछ ज्यादा ही ऐसे लग रहा है, हर टाइम बेचारे भूखे ही लग रहे होते हैं। कितने देखें शौक से खा रहे हैं यार, ये मक्खियां लग रही हैं भाई, इतनी साथ साथ हो गए हैं। यार ये वाली मुर्गियां जो है ये हमने अलग रखी हुई हैं, क्योंकि वो जो है हमने सेल करने के लिए रखी हुई हैं, तो ये अंडे वगैरह देती हैं, इसमें देसी असील और सारी मिक्स हैं। और ये देखें यार, ये वाली बकरी ना मुझे मार रही है, शायद मैं इसकी प्राइवेसी लीक कर रहा हूँ, ये कैमरे में नहीं आना चाहती होगी इसलिए। यार बकरियाँ भी हैं, देखें बकरियाँ जो हैं ये यहाँ पर हैं, और अभी ये मेरे पास ही आई हुई है, अभी इनके ना घास वगैरह डालते हैं थोड़ी देर तक। ये देखें यहाँ पर सारी, इधर ही घास डालेंगे इनको ताकि ये जो है घास खा लें। ये देखें ये मेरे पीछे आ रही, इसका असल में मैंने इसकी तरह ड्रेसिंग की हुई है ना, ब्लैक एंड वाइट, तो ये मेरे पास आई जा रही है बार बार। ये देखें मैं इधर आऊँगा, मेरे पास आ रही है, ये मुझे अपना रिश्तेदार तो नहीं समझ रही। जानवर समझदार हैं यार, रिश्तेदारों को मारते हैं। तो भाई फाइनली इनकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, घास आ गया है, अभी थोड़ी देर पहले भी इन्होंने खाया है, हालाँकि बाहर से घूम के आई हैं। यार दूसरी बारी खुली में डालो, इधर जगह ना कम है। हाँ इधर आ जाओ इधर, अभी देखना सारी आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो इधर ही आ जाएंगी। ये देखना अभी उस साइड पर भी डाल दो, ये देखो ये जैक तंग करने आ गया बकरियों को। अब ज़्यादा बकरियाँ अभी इसलिए इधर से चला जाएगा, क्योंकि जहाँ पर कम है वहाँ पर पहुँच जाएगा ये इन बेचारियों की। लेकिन ये रखवाली भी करता है, ख्याल करता है इनका, और कोई चीज़ खाने भी नहीं देता, उनको तंग भी बहुत ज़्यादा करता है। अभी देखें वहाँ से बकरियाँ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के सारी इसी तरफ आती जा रही हैं। हाँ बोरे से और निकाल लो घास थोड़ा सा, मैं तो यही कहूँगा। वो देखो वो वहाँ से आ रही हैं यार, वो एक बकरी खड़ी है पीछे, उसको भी ले आओ इधर, नहीं वो आगे। हाँ हाँ वही वही, सही सही। यार ये देखना अभी सारे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जाएंगे, और वो जैक जो है वहाँ पर पहुँच गया, ये सारों को भी भगा देगा, देखना अभी। ये अभी ये देखें बेचारी इधर आ गई। हाँ सही से कर दो, ये देखें ये सारी बकरियों को भगा कर खुद इसके काम चेक करें, यहाँ पर आके खेलने लग गया। इसको भाई भगा दो यहाँ से, चलो भाई अपनी छुट्टी करो, घास में तुम्हारा क्या काम है, बकरियों को कोई सुकून नहीं देना तुमने, बकरियों को बेचारियों को। अब देखें बोरे में घुस गई हैं बकरियाँ ना भाई, इतना तंग कर रही हैं आज, लेकिन कोई मसला नहीं, इनको मज़े करने दो यार। बंद करके यार साइड पर रख दो इसको, हाँ सही है। दोस्तों बेंजो जो था वो हमारा डॉग था, आपने थंबनेल में और हाइलाइट्स में देखा ही होगा। तो यार असल सीन ये हुआ था कि उसकी तबीयत जो है वो कुछ टाइम पहले ख़राब हो गई थी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि मैं घर से जैसे निकला हूँ कि मैंने उसको यहाँ पर छोड़ा हुआ था, यहाँ पर बन के वो खुला ही हुआ था, और मैं ना किसी काम से चला गया बाहर, और मैं जैसे काम से बाहर गया हूँ कुछ टाइम बाद मेरे घर से कॉल आ गई कि यार बेंजो की जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और मैं वहाँ से सीधा घर आया हूँ, तो मैंने डॉक्टर को भी कॉल कर ली थी, लेकिन जैसे मैं घर पहुँचा उसे पानी दिया तो एक्सपायर हो गया डॉक्टर के आने से पहले ही।
और इस बात का यार बड़ा अफसोस था, और इसलिए कि मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली, कोई एक महीने से ऊपर हो गया कोई वीडियो नहीं डाली, क्योंकि यार जानवर जो थे वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और इसकी वजह से काफ़ी जानवर जो हैं वो बीमार हो रहे थे और काफ़ी एक्सपायर भी हो रहे थे। तो इस वजह से यार वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं किया। तो मेरे छोटे भाई ने ना कुछ वीडियोज़ बनाई थी जिस टाइम हम उसे दफनाया वगैरह था, तो वो वीडियोज़ मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, आप वीडियो में देखें। यार ये जो है आखिरी दफ़ा उसे लंच दिया था हमने, और इसने बड़े शौक से खाया था यार, हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कुछ जो है वो हो सकता है हमारे साथ। यहाँ पर देखें बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके कुछ टाइम बाद यार ये न्यूज़ सुनकर जब मैं आया था ना तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड था, मैंने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कुछ मेरे साथ होगा, और लिटरली यार मेरा मुंह जो था वो रोने वाला हो गया था, क्योंकि यार जब भी मैं घर आता था ना तो यार ये मेरे पास आ जाता था फ़ौरन और मेरे साथ आगे खेलता था, तो यार मेरे लिए इसे भूलना इम्पॉसिबल हो सकता है। तो आखिरी टाइम में जब मैं गया था तब भी ये मेरे पास आ रहा था बार बार, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि यार ये क्या हो गया कैसे हो गया, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स था मैं, और वीडियोस तो बनाना ही भूल गया था, मेरे भाई ने ये थोड़े से शॉर्ट्स बनाए थे। यार इतना अच्छा साथ था फिर भी देखें यार, इसके लिए मुझे अपने हाथों से कब्र खोदनी पड़ी, और धूप इतनी ज़्यादा थी ना और ज़मीन इतनी सख्त थी यार, खुदरी नहीं थी, जितना भी हुआ मुश्किल से खोदा उस बेचारे को अंदर जो है वो उतारा, और उसके बाद जो है मिट्टी डालने की भी हिम्मत नहीं थी यार, जो मेरा दोस्त था जिससे मैंने ये लिया था उसी बेचारे ने जो है सारा काम कराया मेरे साथ, और ये देखें ये मिट्टी वगैरह इस पर डाली, तो यार बहुत ज़्यादा शौक था यार, ये सब एकदम हो गया अचानक हो गया, तो इसके आज काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर एक। यार माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, और लड़के जो हैं इसके साथ वीडियोज़ वगैरह बनाते थे और इसको काफ़ी पसंद करते थे, जो भी पूछता था वो यही कहता था कि भाई कहाँ से लिया आपने, और यार डॉग शो पर जो है हम काफ़ी दफ़ा रिकॉर्ड जीते हैं इसके साथ, फिर मैं आता था मेरे पास बैठ जाता था और मैं जो भी बात कहता था वो मेरी बात मानता था। बेंजो इधरा इधरा बेंजो इधरा 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 बेंजो इधरा सिट बेंजो सिट 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 हैंडशेक करो बेंजो हैंडशेक करो हैंडशेक करो गुड बॉय। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड किया, तो मेहरबानी करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और थोड़ा सा अच्छा लव मोहब्बत प्यार दिखाएं इस चैनल के ऊपर ताकि हम रोज़ आपके लिए वीडियोस लेकर आएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।